हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करेंगे वो इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना की ओर से बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती में जो आपकी रनिंग रहेगी वो 3 मार्च से यहाँ पर आपकी रनिंग होगी, यानी कि जो आपको दौड़ लगानी है वो 3 मार्च को यहाँ पर आपकी दौड़ भी होगी। अगर आपकी इसमें योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं, यानी कि अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं इनमें तीनों में से कुछ भी किया हुआ है तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं। इस भर्ती में आपको जो पोस्ट दी गई है कॉन्स्टेबल, क्लर्क और ट्रेड्समैन के पदों पर यहाँ पर बम्पर भर्ती आई हुई, यानी कि जो आपको वैकेंसी दी जाए कॉन्स्टेबल, क्लर्क, ट्रेडमैन की यहाँ पर आपको वैकेंसी दी गई है। अगर आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं। इस भर्ती में आपको जो रनिंग होगी यानी कि जो आपको दौड़ लगानी होगी 1600 मीटर की यहाँ पर आपको दौड़ भी लगानी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले आज मैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट दिखाता हूँ जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है 3 मार्च से यहाँ पर स्टार्ट होकर 7 मार्च तक यहाँ पर आपकी ओपन रैली भर्ती चलेगी। अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो 4 दिन रैली चलेगी इसमें यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कब जाना होगा उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको इस रैली भर्ती में इन 4 दिनों में कब जाना होगा, यानी कि आपको 3 मार्च को जाना है या 4 को जाना है या 5 को जाना है या फिर 6 मार्च को जाना है या फिर 7 मार्च को जाना है। इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। अब देखें फ्रेंड्स, आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। चलो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको वैकेंसी के बारे में बताया हुआ है, सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए मिलेगी। यहाँ पर टेक्निकल और क्लर्क, स्टोर कीपर और जो आप अगर आप इसमें थोड़ा सा नीचे डाउन आते हैं यहाँ पर आप वो भी चेक कर सकते हैं, ट्रेडमैन 10th पास और ट्रेडमैन के लिए ही आपको यहाँ पर 8वीं पास वैकेंसी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, यहाँ पर आपको मैं फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात रही है नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना होगा, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो में बने रहना है। मैं आपको वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा कि नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जिसका रिक्रूटमेंट और उनका नेम है वो इंडियन आर्मी की ओर से ऑफिसर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि इसकी ओर से भर्ती चलेगी। अब देखिए फ्रेंड, जो आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है तो आपको यहाँ पर टोटल 6 प्रकार की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर नोट मेंशन, यानी कि इंडियन आर्मी कभी भी अपनी ओपन रैली की भर्ती आती है उसमें कभी भी अपनी वैकेंसी ओपन नहीं करती है। तो टोटल यहाँ पर 6 प्रकार की आपको वैकेंसी दी गई है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन 10th पास और ट्रेड्समैन ही आपको यहाँ पर 8th पास भी आपको वैकेंसी दी गई, यानी कि 8वीं पास के लिए भी आपको यहाँ पर भर्ती दी गई है। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती के हम पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको सैलरी दी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल रहेगा। एप्लीकेशन जो फीस रहेगा सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी कि फ्री में आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना होगा। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती का फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, यानी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें जो आपकी हाइट रहेगी वो सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। जो यहाँ पर टेक्निकल की पोस्ट है यानी कि जो सोल्जर टेक्निकल की पोस्ट है उसके लिए जो आपकी हाइट रहेगी 157 सेंटीमीटर यहाँ पर रहेगी। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको एक बार फिर से नोटिफिकेशन में बता दूंगा। इस भर्ती में जो चेस्ट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 77+5 सेंटीमीटर का आपका फुला होना अनिवार्य है। इस भर्ती में जो आपकी रनिंग रहेगी वो 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड से कम में लगाते हैं तो आपको यहाँ पर 60 मार्क मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में लगाते हैं तो आपको यहाँ पर 48 मार्क दिए जाएंगे। सिटअप्स आपके यहाँ पर 10 रहेंगे और पुशअप्स भी आपको यहाँ पर 10 लगाने होंगे। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती का एज लिमिट की बात करें तो अगर आपके 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर के बीच में है, वैसे कुछ पोस्टों के लिए 23 ईयर भी है, अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में ही बता दूंगा, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती में यहाँ पर आपको एज में कोई छूट भी नहीं दी जाएगी, यानी कि जो OBC और SC ST वालों को छूट मिलती है वो इस भर्ती में लागू नहीं होगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जिसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो यहाँ पर सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा यानी कि रनिंग होगी, उसके बाद यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा। लेकिन जो मेडिकल टेस्ट होता है यहाँ पर फिजिकल के तुरंत बाद ही आपका यहाँ पर नेक्स्ट डे यहाँ पर इसका आपका मेडिकल हो जाता है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है, अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में ही बता पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है 45% अंकों के साथ, कम से कम अपने 45% अंक होने अनिवार्य है, और हर सब्जेक्ट में यहाँ पर 33 नंबर होना अनिवार्य है, यानी कि 33% आपके होने अनिवार्य है।
अगर आप क्लर्क के लिए आवेदन करते हैं और यहाँ पर 10+2 इनकी 12वीं पास होना अनिवार्य है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के साथ अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप इसमें भर्ती में जा सकते हैं। अब देखें यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो 60% अंक होना अनिवार्य है और इंग्लिश में यहाँ पर 50 नंबर आपके होना अनिवार्य है। अगर आपके इंग्लिश में 49 भी है तो आप इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ पर ट्रेडमैन की पोस्ट है उसमें कुछ पोस्टों के लिए इसमें यहाँ पर 10वीं पास होना अनिवार्य है, यानी कि ट्रेडमैन की वैकेंसी 8वीं और 10वीं पास से आई हुई है। इसमें सिंपल 10वीं पास होना अनिवार्य है और यहाँ पर 8वीं पास होना अनिवार्य है। यहाँ पर जो 8वीं पास वैकेंसी रहेगी वो हाउसकीपर और यहाँ पर मैस कीपर के लिए रहेगी और जो बची हुई पोस्ट रहेगी उसमें आप 10वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती में जो आपको डॉक्यूमेंट जाना होगा, यानी कि जब आपकी ओपनली भर्ती रहेगी, यानी कि जो मार्च में आपको जाना है 3 मार्च को, वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो आप यहाँ पर मैंने बताया। 10वीं और 12वीं की आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जानी होगी, यानी कि ओरिजिनल भी लेके जानी है, प्लस आपको यहाँ पर फोटोकॉपी भी उसकी लेके जानी होगी, यानी कि जीरोक्स भी आपको लेके जानी है, प्लस आपको यहाँ पर डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, एफिडेविट और आपको आधार कार्ड भी आपको यहाँ पर लेकर जाना होगा। जो उसकी इंपॉर्टेंट डेट रहेगी फ्रेंड्स 4 जनवरी 2020 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 16 फरवरी 2020 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना। जो आपके एडमिट कार्ड है वो 17 फरवरी 2020 से लेकर 2 मार्च तक आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। जो आपकी ओपनली भर्ती आई हुई है 3 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में आपको यहाँ पर ओपनली भर्ती में जाना होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप कर दीजिए, मैं आपको बता दूँ कि आपको इस रैली में कब जाना होगा। जो आपकी रैली रहेगी अरुणाचल प्रदेश में आपके यहाँ पर ओपनली भर्ती होगी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है। अप्लाई आपको यहाँ से करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आप हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से भी ले सकते हैं। मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।